हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केलकर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ, केलकर हॉस्पिटल में। हमारा हॉस्पिटल है जहाँ हम सारे प्रकार के पेशेंट्स देखते हैं, मेंटल इलनेसेस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको देखते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको पीयर प्रेशर के बारे में बात करने वाली हूँ। पीयर प्रेशर यानी कि साथियों, मतलब अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनका एक प्रकार का दबाव होता है हर एक के ऊपर। जब हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, जब हम एक ग्रुप में रहते हैं, तो बाकी लोगों का दबाव होता है अपने व्यूज़ के ऊपर, हम जो करना चाहते हैं उसके ऊपर। तो हमेशा एक रहता है कि हम फ्रेंड्स को क्या लगेगा, उन दोस्तों को क्या लगेगा, दोस्त ऐसा बोल रहा है कि ये करना चाहिए। तो ये हमेशा एक दबाव रहता है। काफ़ी बच्चे इस दबाव से गुजरते हैं, जिसे हम पीयर प्रेशर बोलते हैं। यानी कि जब बच्चा थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है, अराउंड 14 इयर्स के बाद जो इंडिपेंडेंस उसे मिलता है, वो बाहर जाता है, कॉलेज में जाता है, तो काफ़ी फ्रेंड्स आते हैं कांटेक्ट में। फिर बहुत सारी चीज़ें आती है उसके साथ, बाकी बच्चों को जो एडिक्शंस होते हैं काफ़ी प्रकार के, लाइक स्मोकिंग या फिर अल्कोहल, जो कि दारू है या फिर ड्रग्स है, बाकी चीज़ें रहती है, गेम्स, वीडियो गेम्स का एडिक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए वो एज में काफ़ी बच्चे करते हैं। और जो जिन बच्चों को नहीं करना होता है वो भी दबाव में आ जाते हैं कभी कभी। तो इस पीयर प्रेशर से कैसे टैकल किया जाए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जो भी ये फेस करता है कि जिसे वो चीज़ नहीं करनी है, और अगर ऐसा महसूस होता है कि एक पीयर प्रेशर लग रहा है, कोई पर्सनालिटीज़ जो रहते हैं थोड़े दबे दबे से रहते हैं, तो उनमें पीयर प्रेशर थोड़ा हानिकारक होता है। तो उन्होंने ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ नहीं करनी है तो उसे नो बोलना है, कि नहीं, मैं नहीं करना चाहता। वो क्लियरली बोलना है, स्पष्ट, मतलब क्लियरली बोलना है। जो भी आपको बोलना है क्लियरली बोलना है। अगर फ्रेंड्स बार बार बोल रहे हैं तो वो आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा कि मुझे नहीं करना है, या फिर मुझे नहीं लेना है, मुझे नहीं आना है आपके साथ। ये आपको रिपीटेडली बोलना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि चलो चलो बोलते हैं, काफ़ी बार फोर्स करते हैं कि, या फिर मजाक उड़ाते हैं कि इतना तो कर ही सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं ना बोल रहे हो। तो ये इस वक्त में आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा, जिसे हम असर्टिव ट्रेनिंग बोलते हैं। तो कोई चीज़ अगर नहीं करनी है, नहीं बोलनी है, तो आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ की एक पॉजिटिव, आप जो भी आप सोचते हैं कि ये ना करने का जो फ़ायदा है वो आपने बताना है। या फिर अगर कोई आपको बोले कि ये करने से बहुत अच्छा लगता है, तो आप बोल सकते हैं कि वैसे ही मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, तो आई डोंट नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आप क्लियरली बताना पड़ेगा आपको। और एक चीज़ है कि आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, कोई आपको जो सही लगे वो बोल के उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, ताकि आपको वो फेस ना करना पड़े। तो ये आप कर सकते हैं। तीसरी और एक चीज़, यानी कि आप जो आपके सहमत है, आपके विचारों से सहमत है, उनके साथ आप दोस्ती बढ़ा सकते हैं या दोस्ती एंजॉय कर सकते हैं, ना कि जो फ्रेंड्स जो आपके विचारों से सहमत नहीं है और वो कुछ और चीज़ें कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है, तो उनसे ज़्यादा आप दूसरे फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजार सकते हैं। जो अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपको बार बार फोर्स कर रहा है, तो आप उसे क्लियरली, आप ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा और इससे मुझे नहीं करना है। आप क्लियरली उससे वन ऑन वन आप बात कर सकते हो और वो एंड कर सकते हो कि इसके आगे मुझे मत बोला करो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने करनी चाहिए जो भी ये फेस करता है। इस ऐसे दौरान से बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट एवरीवन पासेस थ्रू दिस टाइम। तो ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है कि आपने जो भी एडिक्शंस होते हैं आगे की लाइफ में, ये शुरू हो सकते हैं ये टाइम में। तो ये सारे चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। आपको इसके बारे में और कोई डाउट होगा या कोई इन्फॉर्मेशन की या जानकारी चाहिए होगी, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपके अगर कोई काम का आया हो, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।